अभी ना गाइस हम काफी टॉप पे आ चुके हैं भाई। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो पूरा का पूरा नीचे सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है क्योंकि काफी ज्यादा हाइट पे। ऊपर देखो, मुझे नहीं लग रहा इसके ऊपर कुछ होगा। देखते अगर यहाँ से ट्रैकिंग है, यहाँ क्यों रोक दिया, या फिर भाई चेंज करेंगे, वे भी चलाएंगे नितेश भाई। खुल गया क्या? बांधो 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 बंद करो। वैसे बैठा रहो, वैसे बैठा रहे, झुकाएगा झुक जाएगा और बैठा रहे। जानवर इधर आओ, इधर आओ, इधर पीछे आओ। देखो रहा बकरी है, हिरन है, हिरन है, हिरन। अच्छा तो भाई सामने देखो भाई, हमें कुछ हिरन देखा, देखो भागा भागा। ओरा 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 हिरन है कुछ, हाँ हिरन था। ओरा इधर इधर आओ, दिख रहा हो, दिख रहा। ओरा यहाँ पे काफी ग्रीनरी था क्योंकि यहाँ पानी का ना थोड़ा नमी दिख रहा, तो इसलिए हिरन दिख गया। गाइस यहाँ से बच चुका है तारकेश्वर महादेव जी का टेम्पल, 5 किलोमीटर। तो चलो भाई चलते हैं, 11 बज चुके हैं। और लेट नहीं करते, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे गाइस, लिख लेंगे नई लोकेशन के लिए, देन वापस भाई दिल्ली भी निकलना है। तो यहाँ से दूसरा रोड कट चुका है टेम्पल के लिए। बाकी भाई लोग बता रहे थे नीचे गहराई चेक करते भाई, बहुत ज़्यादा हाइट पर हम आ चुके हैं क्योंकि जो ये लेंस डाउन है ना आपका, इस सड़क वाले एरिया सबसे ज़्यादा टॉप पे टेम्पल है, इसलिए हम जहाँ भी आ रहे हैं अभी तक का सबसे ज़्यादा टॉप होने वाला, मतलब बहुत हाइट पे है टेम्पल। तो भाई नीचे से देखेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइट तो लगेगा लगेगा, बट एक बार कहीं दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है, यहाँ के रोड थोड़े ख़राब है, स्लिप मार जाएंगे पूरे का पूरे, कंक्रीट से छोटे छोटे। भाई हाइट तो गाइस है, दिखाऊंगा ऊपर से दिखाऊंगा। चलो भाई उतरते हैं, थोड़ा बहुत डेंजर होता है यहाँ तक। पत्थर का डिजाइन भी अलग है, प्लस कैक्टस देखो भाई, पहाड़ों पे कैक्टस है गाइस सारे के सारे, देखो। ओ माय गॉड, ऊंचाई तो है। देखो एक और लंगूर भाग रहा भाई, सब कैसे कोई गोप्रो ना ले बस, बाकी सब ठीक है। देख रहे हो बैठे बड़े लाइन से भाई, इन्होंने अटैक कर दिया ना, हालत ख़राब हो जाए कसम से, इतने बड़े बड़े हैं, देख के डर लग रहा है। ए, 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 पतली रोड, बाइक बंद कर रहा ना, छुपा लूँ मैं, बहुत डर लग रहा है। ओ, हालत पतली हो रही इनको देख के भाई, मतलब इस साइड गाइस लंगूर है, लंगूर बड़े बड़े, और सारे के सारे जंगली लंगूर है भाई। 5 किलोमीटर वाला पैच वचर भाई काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रोड उतने सही नहीं है जितने पहले के मिले थे, रोड काफ़ी ख़राब है। और जैसे ही भाई छाँव में जा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, और धूप में आ रहे तो भाई बहुत ज़्यादा राहत मिल रहा है क्योंकि जब फेस पर धूप पड़ रही है ना, देखो इस साइड तो धूप है, ये देखो माई गॉड बहुत ही अच्छा लग रहा है जब धूप पड़ रहा है। तो ये है कि भाई ठंडा गर्म हो रहा है, रोड की तो ख़राब है, इसलिए यहाँ पर ना स्पीड 15-20 की स्पीड हो चुकी है अपनी, ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग इधर। ओह लैंड स्लाइड भी है इस साइड, देखो ऊपर धूप है, यहाँ छाओ, इस साइड हो रखा लैंड स्लाइड। भाई यूपी की कारें आ रही है, अब मजा आएगा धूप में। हा, राहत मिल रही है, बहुत ज्यादा राहत मिल रही भाई। हाँ पत्थर ज्यादा गिरे हो यहाँ पे रोड पे, इसलिए ज़्यादा तेज भगा नहीं रहे ताकि भाई गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर बाहर गई तो मतलब बता ही नहीं सकता मैं, इसलिए थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल कर रखे, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल कर रखे क्योंकि रोड उतने अच्छे नहीं है। देख रहे बीच बीच में कहीं ना कहीं पत्थर गिरे हुए हैं गाइस। भाई इतने हार्ड हार्ड पैचेस को कवर करने के बाद, सॉरी सॉरी, हम पहुंच चुके भाई ताड़केश्वर महादेव टेम्पल। मतलब ये 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़े, बाकी पैच हार्ड नहीं था, ये 5 किलोमीटर था ना आखिरी वाला। भाई साहब रोड इतने ख़राब थे कि पूछो मत, बट ठीक है फाइनली भाई सारे भाई लोग पहुँच चुके हैं। और कुछ ऐसा यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं अभी, ताड़केश्वर धाम मंदिर। तो चलो गाइज यहाँ से चलते हैं बिल्कुल नीचे, सिद्ध पीठ ताड़केश्वर धाम, कुछ ऐसा यहाँ पे एंट्री गेट है, और आपकी यात्रा मंगलमय हो महादेव। तो गाइस ये
श्याम, हर हर महादेव। तो कुछ ऐसी एंट्री भाई, काफी ज्यादा सही लग रहा है। देवदार के पेड़ कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इसी एरिया में बता रहे, इसके अलावा मंदिर के अंदर ही अंदर है, इसके अलावा कहीं भी ये पेड़ नहीं होते। तो बहुत ही ज्यादा भाई अच्छे लग रहे पेड़, और कुछ तो गाइस खास है इसलिए सिर्फ मंदिर के अंदर। लेने से पहले भाई सभी के सभी जितने भी शूज है सभी भाई लोग खोले थे, देन वहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो चलो ओपन करते हैं, देन फिर चलेंगे टेंपल के अंदर। तो फाइनली गाइस चलो भाई अंदर एंट्री लेते हैं। हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत गाइस भाई, पूरे को पूरे देवदार के पेड़ है और बीच में मंदिर है ना, पूरा भाई पूरा जंगल है, फॉरेस्ट। इस मेन टेंपल सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर धाम, और आपको एक और चीज दिखाता हूं भाई, यहाँ पे है त्रिशूल रूपी वृक्ष जो कि आपको दिखेगा ना यहाँ पे, देखो ये देखो भाई त्रिशूल रूपी वृक्ष। इसके अंदर क्या खास बात है आपको ऊपर दिखाता हूँ, पेड़ में गाइस त्रिशूल बना हुआ है ये देखो। अभी जस्ट मैं ऊपर करूँगा आपको दिखेगा इस साइड से, थोड़ा मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा इसके लिए, पैर ना पूरा सुन हो गया भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। इस एंगल से दिखा दो, देखो ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर जाएगा इस देखो त्रिशूल बना हुआ वहाँ पे बिल्कुल। इस तारकेश्वर महादेव जी के टेंपल का भाई दर्शन सभी ने कर लिया, और यहाँ पे कुछ इतना प्यारा यहाँ का लोकेशन है जो कि ये देवदार के पेड़ भाई इतने सही लग रहे, तो यहाँ पे कुछ रील्स बना रहे, फोटो क्लिक कर रहे हैं, देन एक्सप्लोर करने के बाद चलेंगे भाई यहाँ से सीधा अपने लेंस डाउन के लिए, फिर वहाँ से दिल्ली का प्लान है। बट यहाँ पे जो आपको लोकेशन का व्यू मिल रहा है ना, देखो कितने ही ज़्यादा गाइस खूबसूरत, यहाँ पे ऊपर देखो माई गॉड पूरा गाइस रोटेट लग रहा ना राउंड, देखो मतलब क्या पैटर्न है, इतनी खूबसूरती ना इन पेड़ों में कि बताओ मत भाई, कि गाइस पूछो मत आप लोग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है चारों तरफ आपको सिर्फ देवदार के पेड़ है। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, अगर आप लोग उत्तराखंड का ट्रिप का प्लान करते हो तो हाँ आप तारकेश्वर महादेव जी का टेम्पल जो है वो अपने लिस्ट में डाल सकते हो, बहुत ही प्यारा टेम्पल है। एंड यहाँ का जो वाइब है प्लस यहाँ पे जो खूबसूरती है बहुत ही प्यारा, आप लोग एक्सप्लोर करो आके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बाकी भाई लोग ये सब कुछ रेडी हो चुके हैं, अब निकलते गए यहाँ से, देन सीधा मिलेंगे भाई अब आपको मोटो ब्लॉक पे। चलो फाइनली गाइस मंदिर से आ चुके बाहर और एक खड़ी अपनी बेताल, अबे यार इसका कैसे मुड़ गया फिर से, पक्का किसी ने हिला दिया हुआ ये भी भाई काफ़ी। निकालते पहले इसको साइड लगाता हूँ फिर देख रहा हूँ इसको दोबारा टाइट करेंगे, क्योंकि एक बार जब दिल्ली से चलते वक्त मैंने टाइट किया तो अभी तक तो नहीं खुला था, बट किसी ने हाथ हाथ लगा दिया हुआ फिर जाके खुल चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन था, मज़ा आया देख के। अब चलिए गाइस यहाँ सीधा लेंस डाउन, देख रहे इंजन ठंडा है तो भाई जब चाहे मर्जी कोल्ड स्टार्ट होता तो पूरा वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि हिल रहा है पूरा गाइस, हिल रहा है क्योंकि वाइब्रेशन से ना खुल चुका है, इसको टाइट करना है। गिर गया था नीचे ना, ग्लव से ना बहुत गिरती यार। तो पहले चलो इसको निकालते हैं, टाइट करेंगे तो नहीं निकल पाऊँगा। हर हर महादेव। रुक जाना अभी रुक जाओ, ये फिर से मेरा खुल गया, इसको टाइट करना पड़ेगा। उस समय कैसे किया था इसको, कुछ मेरे पास टूल बॉक्स, मैंने बोला था कि जब चाहे मर्जी काम आएगा तो बाहर ही रखता हूँ मेरे हिसाब से। टूल बॉक्स कहाँ गया, ये देखो कितना मस्त ना, इसको भाई हमने ले लिया घर ले जाएंगे सीधा। टूल बॉक्स किधर है, यहीं तो डाला था मैंने, ये रहा गाइस ये रहा, वही ढूंढ रहा हूँ टूल बॉक्स कहाँ गया। इसको रखते हैं इस साइड सेफली, बहुत प्यारा है। चलो फिर और मेरा टाइट करते देन निकलते हैं यहाँ से, ये पतला वाला लेकिन भाई यही काम का, इसके अंदर यही काम होता अच्छे से, समझ भी नहीं आता खुल कैसे आते।
हुआ क्या, एक्चुअली जो नीचे वाला ना ये वाला पूरा घूम गया, इसलिए दिक्कत होता है। तो फाइनली गाइस निकलते हैं भाई, थोड़ा सा टाइट हुआ है, पूरा नहीं हुआ, बस जितना भी होगा जैसा भी होगा, हिलाऊंगा ना हिल जाएगा, जैसा हुआ चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जब प्रॉपर टूल होगा फिर हो पाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं, मतलब बहुत लेट हुआ क्योंकि आगे राइडर जा चुके हैं, हमारे साथ है विशाल भाई, रतन भाई और अज्जू भाई। चलो आ जाओ, बाकी सामान सब ले लिया, ठीक है आ जाओ। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से, ताड़केश्वर महादेव जी का टेम्पल एक्सप्लोर कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा ये, मुझे लग रहा था अभी निकल जाएगा यार, क्योंकि बहुत हिल चुका ना। अब ये 5 किलोमीटर ऐसा पैच है कि बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा अपने को। क्योंकि आते वक्त यार इतना रोड ख़राब था, तो जाते वक्त भी सेम ही रोड होने वाला है। बस 5 किलोमीटर जो है ना पूरा ये पूरा ख़राब है, आगे वाले फिर अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे भाई पत्थर गिट्टी है ना, तो टायर बड़े स्लिप करते हैं अगर हम तेज़ चलाएंगे तो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लव्स मेरे आगे, ग्लव्स पहना भी भूल गए देखो जल्दी जल्दी चक्कर में, कोई नहीं पहन लेंगे। ठंड तो लग रहा, हाँ तो यार बहुत ठंड लग रहा है, इस साइड ज़्यादा ठंड था। और यहाँ पे बता रहे थे भाई लोकल्स की, सबसे पहले अगर बर्फ़ गिरेगा ना इस साइड, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ और सबसे पहले ताड़केश्वर महादेव जी के टेम्पल पर गिरता है, देन कहीं और गिरता है, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा हाइट पर टेम्पल है, इसलिए सबसे पहली जो बारिश के बाद 1-2 दिन में बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो वो होता है जनवरी में होता है, हाँ जनवरी में बोला है। तो ये देखो भाई, इस साइड सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी और सबसे पहले इधर ही गिरेगा, तो ऐसे लोकेशन पे आए तो सबसे पीक पे है 1800 मीटर, हाँ 1800 मीटर की भाई हम हाइट पे है। ये देख रहे हो कैसे कर्विंग ना, यहाँ पे स्लाइड आएंगे, और जिसकी उम्मीद थी भाई वही हुआ है, खुल गए। जब तक प्रॉपर टूल नहीं होगा ना ये कसेगा नहीं, मेरे पास है लेकिन वो ग्रिप, जो अपने पास टूल है ना जितने भी हैं चाबी, वो भाई प्रॉपर इसके साइज़ के नहीं है, या तो थोड़े बड़े हैं या तो छोटे हैं, तो अब देखना पड़ेगा भाई इसको कहीं से करवाते हैं। तो अभी गाइस इसको भाई बैग में डालते खोल के, क्योंकि पूरे रास्ते भाई सारा का सारा ध्यान मेरा इस पे जा रहा है, ना कि चलाने पे, इससे बढ़िया कि भाई गिर जाए रास्ते में कहीं ना कहीं खुल के सारे मोबाइल होल्डर हो गया, फॉग लाइट हो गया, इससे बढ़िया डाल ही लेते हैं, क्योंकि खट 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 दिमाग ख़राब कर दिया इसने। तो अभी तो यहाँ पर खोल ही दिया, क्योंकि ये वाला भी ना पता नहीं कैसे कसते भाई, ये पूरा का पूरा यही खुल रहा है देखो, ये अगर नहीं घूमता तो आराम से कस देता, अब ये खुद ही घूम रहा है। चलो अब तो नहीं घूमना चाहिए, बाकी रहा फॉग लाइट की बात, तो इसको भाई लटका देते, और इसके अलावा ऑप्शन तो है ही नहीं, लटकाना ही पड़ेगा आगे, बहुत सिंपल दिखता है ना व्लॉग में। बस चलो ऐसे कर दिया, अब निकलते भाई फिर से ना गाइस, पहले से ठीक है। देखो एक साइड का यहाँ पे मिरर नहीं है, बट ये है कि राइट हैंड में जो मेन होता है वहाँ की विजिबिलिटी मेरे पास है, और डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा क्योंकि भाई वो बार बार हिल रहा था और सारा ध्यान मेरा वहाँ पर जा रहा था। बट अभी भी क्या है कि अभी भी फॉग लाइट देखो यहाँ पर हवा में नीचे लटका हुआ, लेकिन ये कि टूटेगा नहीं, उससे तो बढ़िया बना, इसके तो नट खुल के भाग रहे थे। छगला आपसे भाई, क्या हो रहा वहां से निकलते ही ग्लव्स पहने नहीं थे, पता नहीं क्या, सारा ध्यान तो यार वहीं पे चले गया मिरर पे, एक ग्लव्स ये एक ग्लव्स वहां गिर गया भाई के पास, ला पहन ही लेता भाई। आ जाओ आ जाओ, इतना आसान नहीं है मोटो व्लॉगिंग भाई, यहाँ इंसान भी ढीले होते हैं, आपकी गाड़ी का भी टेक केयर करना, उसके पार्ट भी ढीले होते हैं, बहुत टेंशन है बाबा। और इन सभी टेंशनों को पार करने के बाद फिर आपको मिलता है एक व्लॉग, और आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब। चलो चलो कोई नहीं, अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, बाकी भैया आप लोगों का काम। हाँ भाई, 5 किलोमीटर्स जो हार्ड पैच थे भाई ख़त्म हो गए, और यहाँ से ताड़केश्वर और यहाँ से गाइस लैंसडाउन का जो डिस्टेंस है भाई बहुत ज़्यादा है, 32 किलोमीटर कर्विंग में है, हालत ख़राब होने वाली है, बट ठीक है ये कर्विंग जो है काफ़ी ज़्यादा भाई नीट एंड क्लीन है, तो कर्विंग गाइस यहाँ से कर लेंगे भाई। नीचे का हाइट देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो चलो 32 किलोमीटर खेचम खेच निकालते हैं आराम से, बुलेट वाले भाई भी आ चुके हैं, चलो। और बाकी सारे राइडर आगे हैं, हम तीन के साइड पीछे चल रहे हैं, मैं रतन और विशाल भाई। चलो ये रहे, ये वाले पैस तो गाइस काफ़ी इजी नहीं, मतलब अच्छे हैं, दिक्कत नहीं होगी, साफ रोड है,
नीचे इतनी हाइट है ना भाई, पूछो मत। तो अपने को पहुंचना है अब लेंस डाउन, टायर जल्दी जल्दी पैच खत्म हो जाए आधे घंटे के अंदर, तो मुश्किल है लेकिन हो जाना चाहिए भाई, हो या तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, वरना एक घंटा कम से कम एक घंटा लगेगा, एक से डेढ़ घंटा। रॉक देख रहे हो कितने ज़्यादा हार्ड है, तो फाइनली गाइस यहाँ पे भाई 15 किलोमीटर आने के बाद सारे आर्डर अपने को मिल चुके हैं, और लेंस डाउन यहाँ से बच रहा अभी भी 20 से 18 किलोमीटर बच रहा, बट जो ये लोकेशन आपको यहाँ से दिख रही है भाई क्या सही दिख रहा है, पूरा ब्लू स्काई प्लस आसमान, क्या चीज़ 22 किलोमीटर तो 25 तो पीछे दिखा रहा था लेकिन अब तो कम हो गया होगा, जितना भी हो छोड़ो तो कवर कर लेंगे, बट यहाँ से जो व्यू मिल रहा गाइस एक नंबर लोकेशन है। और जो भाई लीन करते करते आया ना, हालत ख़राब, एक दो बार हुई दिक्कत लेकिन ठीक है, आ गए फाइनली यहाँ पे, और यहाँ से वापस चलेंगे सीधा लेस डाउन के लिए, देखते कब तक कवर करते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सही आ रहा है, देखो पूरा आसमान भाई साहब ब्लू ब्लू हो रहा है। हाँ टायर ग्रिप तो बोलना पड़ेगा गाइस, नो डाउट टायर की ग्रिप इतनी अच्छी है भाई एनटॉक की, आपको टायर दिखा दूँगा देख के हिल जाओगे, मतलब कहाँ तक टायर घिस रखे पूरे भाई, मतलब ये एरिया दिख रहा है पूरा, इतना सा एक उंगली भी नहीं उतना बच रहा है, बाकी ये पूरा टायर लीन मारते मारते सारा का सारा यूज़ हो गया। ठीक है अच्छे काफ़ी टायर है इसके, बाकी तो चलेंगे आगे।